स्वागत करती हूं आपका M4 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुमन देवी के जज्बे को पीएम मोदी ने सराहा। जिलाधिकारी आदर्श कुमार सिंह ने सुमन द्वारा बाराबंकी जिले को गौरवान्वित करने की बात कही। सुमन देवी के जज्बे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। मन की बात कार्यक्रम के बाद एक बार फिर यूपी बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज गुरुदत्तखेड़ा मजरे हसनपुर गांव की सुमन देवी का नाम लेकर देश की महिलाओं और स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने को लेकर सराहा। मन की बात कार्यक्रम में त्रिवेदीगंज क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की जनचर्चा अब पूरे देश में हो रही है। मीडिया फॉर यू संवाददाता अर्जुन त्रिवेदी ने सुमन देवी के गांव गुरुदत्तखेड़ा पहुंचकर उनसे सीधे संवाद किए कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूह चलाकर लोगों की मदद करने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। खेड़ा की एक महिला जिनका नाम मन की आवाज में माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने लिया और हमारे जिला अधिकारी जो बाराबंकी के जिला अधिकारी उन्होंने भी उनका नाम लेकर जिला के गौरव के रूप में उनका नाम लेकर चर्चा की। इस विषय में आज के डेट में गुरुदत्त खेड़ा माँ हैदरगढ़ में सुमन वर्मा जी पहचान के मोहताज नहीं रहे पूरे देश में। आइए हम आपको उन सुमन वर्मा जी से बात कराते हैं जिनकी पहचान स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हम लोग नाम ले इतना अच्छा हमें लगा कि हम लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि हम लोग इस लायक के हैं, अपने को कभी समझे नहीं। लेकिन स्वयं सहायता समूह चला के हम सब बहनों की वजह से उसी से लेन देन करके और सरकार तरफ से ब्लास से खाली 1,10,000 रुपया मिला, उससे मतलब छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं। और परचून की दुकान टमाटर की खेती है, जैसे मिर्चे की खेती है, ये कर रहे हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा करें कि हम लोग मतलब उनकी मदद से हम लोग कुछ ऐसा करें कि फिर हम लोग का नाम रखेंगे। माननीय मोदी जी कितने साल से आप अपना समूह ये चला रहे हैं? 2016 से चला रहे हैं। कितनी महिलाएं इसमें हैं? 11 लोग। ये क्या 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 आप समूह से क्या 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 कार्य संचालित किए जाते हैं? ये सर ये सुमार में तो हम लोग कंपोस्ट की खाद बनाए हैं यहाँ गोबर और उसको मतलब बीज उसे गेहूं धान का लिए थे वो किए हैं। अभी मिर्चा टमाटर उसे थे, अभी हम लोग का पैसा वो जो बढ़ा तो उसे लेके थोड़ा छोटी मोटी परचून की दुकान किए हैं उसमें बचे जल। अच्छा, सरकार ने आपकी कुछ मदद इस आपके समूह में की जिससे आपका कोई मतलब समूह से कार्य हो? नहीं, NRL ने 1,10,000 रुपया दिए, वो ही है वो मदद मुझे चाहिए। आपने जो है कोरोना के चलते बहुत सारे मास्क पूरे क्षेत्र में बना के बहुत सारे मास्क बांटे हैं, एक इस समाज सेवा के रूप में आपने बहुत सारे मास्क जो है अपने हाथों द्वारा बना के वहाँ उसमें आप बताइए क्या? उसमें तो जब ही कोरोना काल चल रहा था लॉकडाउन में बाजार सब बंद थे तो जब हम लोग न्यूज देखे और TV में देखे पेपर पढ़े तो हमारे मन में ये प्रेरणा आई कि क्यों ना हम लोग कुछ करें। और ब्लॉक से हमारी ज्योति मैम भी फ़ोन की कि सुमन कुछ करना चाहती हो, तो हमने कहा दीदी अपनी बहनों को बुलाकर तो सब बहनों की मदद से कपड़ा रखा था वो गोली बना लिए था वो कटिंग कुछ पहने कटिंग करती थी सिलती थी उसी की मदद से हम लोग जो प्रवासी मजदूर आते हमारे घर नरेगा वाले बूढ़े बुजुर्ग बच्चे थे उन लोग को देते गए बहनों को कि कोरोना काल से बच सके। उषा कुमारी आप संगठन में क्या हैं? यहाँ है सब लेखाकारी सब नहीं लेखाधिकारी हैं लेखाकार सचिव। अच्छा सचिव हैं। हाँ, ये आपकी जो कोषाध्यक्ष हैं इनका नाम माननीय प्रधानमंत्री ने मन की आवाज मिली इनकी प्रशंसा की, इस विषय में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब लोग काम धंधा करते हैं बांटते हैं कि अब कोई आगे बढ़े देखे तो आगे और बढ़ावे जिना सब करे करे अच्छा है सब। दादी आप आइए इधर। कौन है? मेरी मम्मी है। वाह, आपकी माता जी बताइए इतने ऊपर तक आज की डेट में जो है माननीय प्रधानमंत्री ने इनका नाम लेकर इनको गौरवान्वित किया है और आपको तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अपार खुशी होगी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा और DM के जिला के द्वारा जब नाम लिया गया और प्रशंसा की गई तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही खुशी हुई जिसे कि सबने मतलब जाहिर भी किया। वैसे मेरी रिक्वेस्ट ये है जैसे हमारे जो सरकार है जैसे कि महिलाएं मिलकर कोरोना काल में अपने हाथों से बना के मास्क गरीबों को सबको बांटा गया मुफ्त में बिना किसी सरकारी मदद के, तो कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की कि ऐसे समूह को और बढ़ावा दें, उनको और थोड़ी सी वित्तीय सहायता करें ताकि वो और लोगों और जनता की सेवा कर सकें। ये कोई लाभ के लिए नहीं, ये सेवा के लिए था, कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया, सब अपने घर से लोगों ने लगा के मास्क बांटे।
आपकी भाभी जी, आपको बहुत अपार खुशी मिली होगी। आपने क्या सीख ली इसमें से? आप जो है अपने गांव, अपने जिले की जो औरतें हैं उनको क्या सीख देना चाह रही हैं? उसे से आराम है, सब पा सकते हैं। हमको बहुत परेशानी थी, जैसे हम समूह में जुड़ गई हैं तब से हमको कुछ रहा नहीं। आप इस संगठन में क्या है? यह सब लेते हैं, मतलब यह सदस्य हूं। अच्छा, सदस्य हैं संगठन में। आपको कैसा लग रहा है? आपके को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबका सब जने जुट के सब, कोई हाथे तो कोई बना, कोई स्विच बना, कोई मशीन से बना, जो नहीं सीखे है ना मशीन तो हाथे से बना रहा है, मशीन से बना रहा है। जल्दी तय की हरियाली बांटो। आपके कोषाध्यक्ष का नाम भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोशिश की गई कि सबको मास्क दिया जाएगा, सब लोग कोरोना से बच पाएंगे, बच्चे हैं बूढ़े हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जिले की महिलाओं को क्या सीख, क्या संदेश देना चाहती हैं इस चैनल के माध्यम से? अरे सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए। मुझे ये है कि सब लोग, औरतें देखें, बहनें देखें, भाभी लोग, सब जितने हैं देखेंगे वो आगे बढ़ना चाहें, इसी तरह सबकी मदद करना चाहें। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप भी समूह स्वयं सहायता समूह में हैं? किस पद पे हैं? हम तो सदस्य हैं। अच्छा, आपकी जो कोषाध्यक्ष का जो है नरेंद्र मोदी ने नाम लिया है, आप बताइए इस विषय में आपको कैसा लग रहा है? अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।